Why Warner Bros. Is not making Man of Steel's sequel? अब ये क्वेश्चन सिर्फ मेरे ही दिमाग में नहीं, काफी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा जो DC की मूवीज को फॉलो करता है या DC की मूवीज को देखते हैं, कि 2013 में जिस मूवी ने DCEU की शुरुआत करी, आखिरकार उसका अभी तक कोई सीक्वल क्यों नहीं आया। तो आज की वीडियो में हम कुछ पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, जिससे हमें थोड़ा सा अंदाजा होगा कि अभी तक मैन ऑफ स्टील का सीक्वल हमें देखने को क्यों नहीं मिला, और साथ ही साथ बात करेंगे हाल ही में चल रहे एक ब्लैक सुपरमैन मूवी की अनाउंसमेंट को लेकर। तो एक बार वीडियो का इंट्रो कर लेते हैं। हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है करण एंड वेलकम टू के स्मैश। तो बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ बैटमैन वर्सेस सुपरमैन एंड 2017's जस्टिस लीग मूवी। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट था 250 से 300 मिलियन डॉलर्स और इस मूवी ने कमाई करी थी 873.6 मिलियन डॉलर्स की। लेकिन ये नंबर्स देखने में काफ़ी अच्छे हैं, इंप्रेसिव हैं, क्योंकि इस मूवी ने अपने बजट से तो डबल की ही कमाई करी, लेकिन फिर भी वार्नर ब्रॉस इससे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठा था कि ये मूवी शायद 900 मिलियन भी क्रॉस कर जाएगी, लेकिन ये मूवी अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाई और क्रिटिक्स को भी ये मूवी ज़्यादा पसंद नहीं आई। इसलिए शायद ये भी एक अच्छा रीज़न हो सकता है कि इसके बाद मैन ऑफ स्टील 2 नहीं बनी। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा रिस्क लिया कंपनी ने जस्टिस लीग मूवी को ग्रीन लाइट देकर। ये काफ़ी अच्छा डिसीजन था, और जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग अगर हमें जो ओरिजिनल 2021 में रिलीज हुई है वो हमें अगर 2017 में देखने को मिलती तो वो मूवी फैंस को पसंद आती, और जितना 2017 की जस्टिस लीग मूवी ने कमाई करी थी ये उससे तो थोड़ा ज़्यादा ही कमाई करती। तो बात करें अगर 2017 वाली जस्टिस लीग मूवी की, तो इस मूवी का बजट था 300 मिलियन डॉलर्स और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था 657.9 मिलियन डॉलर्स का। अब ये देखा जाए तो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस से भी इसका कलेक्शन काफ़ी कम है। कहाँ वो मूवी 800 मिलियन के भी क्रॉस कर हुई थी और कहाँ ये मूवी सिर्फ 600 मिलियन को ही क्रॉस कर पाई। अब वार्नर ब्रॉस को यहाँ पर भी अच्छी एक्सपेक्टेशन थी जस्टिस लीग मूवी से भी कि ये मूवी तो कम से कम 800-900 मिलियन या इससे भी ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करेगी, लेकिन मूवी का खुद ही कबाड़ा करा वार्नर ब्रॉस ने, जिन्होंने जस्टिस लीग मूवी इतनी अच्छी मूवी को जॉस वीडन के हाथ में दे दिया और पूरी मूवी बर्बाद हो गई। इसके बाद की स्टोरी सब जानते हैं। लेकिन अगर हमें 2021 वाली जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग 2017 में ही देखने को मिलती, अब उसमें भी थोड़ी दिक्कत आती क्योंकि ओरिजिनल रन टाइम तो 4 घंटे का है और थिएटर में इतनी लंबी मूवी रिलीज नहीं होती। अब रन टाइम कम होने की वजह से हो सकता है कि उस टाइम पर कुछ लोगों को शायद ये मूवी थोड़ी सी समझने में दिक्कत होती और कैरेक्टर डेवलपमेंट में थोड़ा सा वीक होता, लेकिन फिर भी जॉस वीडन की जस्टिस लीग मूवी से तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती और 657 मिलियन से भी ये कई ज़्यादा अच्छे पैसे कमा लेती। हो सकता है कि ये, जैसा कि मैंने पहले कहा, 1 बिलियन टच कर जाती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब अगर हम जैक स्नाइडर जस्टिस लीग जो कि 2021 में रिलीज हुई काफ़ी फैंस की मेहनत मशक्कत करने के बाद, इस मूवी के एक्चुअल नंबर्स यानी कि इसके कितनी कमाई करी है अभी तक वार्नर ब्रॉस ने डिस्क्लोज नहीं करा है। पता नहीं वो लोग ये सब हमसे क्यों छुपा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी ऐसी न्यूज़ आई है कि इस मूवी ने अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर 250 मिलियन व्यूज़ से भी ज़्यादा अपने व्यूज़ कर लिए हैं, और ये सिर्फ अभी चाइना के रिकॉर्ड्स हैं। और अगर अपने इंडिया की बात करें तो ये मूवी बुक माई शो पर अवेलेबल थी और बुक माई शो ने ऐसी रिपोर्ट शेयर करी थी कि इस मूवी के स्ट्रीम काउंट 70,000 आए हैं, यानी कि ये काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। इंडिया में भी लोगों ने अच्छे तरीके से इस मूवी को देखा, थैंक गॉड किसी ने पायरेटेड मूवी नहीं देखी, मतलब कई लोगों ने देखी होगी लेकिन मैक्सिमम लोगों ने तो बुक माई शो के जरिए ही देखी, तभी इतने अच्छे रिकॉर्ड सामने आए। और 70,000 ये काफ़ी अच्छा नंबर है अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो, यानी इस मूवी ने इंडिया से भी अच्छा कलेक्शन किया होगा। तब भी वार्नर ब्रॉस हमसे जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग के एक्चुअल स्ट्रीमिंग काउंट छुपा रहा है। अब पता नहीं वार्नर ब्रॉस को आखिर हमसे क्या दिक्कत है, जब फैंस को ये मूवी पसंद आ रही है, वो चाहते हैं कि जैक स्नाइडर का विजन आगे भी कंटिन्यू हो, तो वार्नर ब्रॉस को क्या प्रॉब्लम है। अब यहाँ सेकंड पॉइंट की बात करते हैं जो कि है वेटिंग फॉर राइट टाइम। अब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वार्नर ब्रॉस के ऑफिशियल्स को भी ये बात पता है कि फैंस क्या चाहते हैं, और वो अभी वेट कर रहे हैं सिर्फ एक अच्छे टाइम का, कब जाके वो हेनरी कैवल के साथ इस मूवी की अनाउंसमेंट करेंगे कि मैन ऑफ स्टील 2 आ रही है। लेकिन फिर भी अब तो 8 साल से भी ज़्यादा का टाइम हो गया है और अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो अब बात करते हैं हाल ही में चल रही एक नई न्यूज़ के बारे में जो कि है वार्नर ब्रॉस ब्लैक सुपरमैन मूवी पर काम कर रहा है। अब ये बात थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगी मुझे क्योंकि 5 मई को हेनरी कैविल का बर्थडे था और वार्नर ब्रॉस ने उसी दिन अनाउंसमेंट करी कि वो एक ब्लैक सुपरमैन मूवी पर काम कर रहे हैं। अब ये एक्चुअल में ये नहीं बताया गया कि ये मैन ऑफ स्टील 2 होगी या फिर इसमें हेनरी कैविल भी जुड़े हुए हैं। अब पता नहीं वार्नर ब्रॉस खुल के अनाउंसमेंट क्यों नहीं करता है, लेकिन ये बात देखने में काफ़ी अजीब लगी कि हेनरी कैविल सुपरमैन की पोस्ट पर अभी हैं
तो उनके साथ मूवी ना बनाकर एक ब्लैक आदमी के साथ सुपरमैन मूवी, कुछ हजम सी नहीं हो रही है बात। लेकिन अभी तक वॉर्नर ब्रॉस ने इस बात की कंफर्मेशन भी नहीं करी है कि हेनरी कैविल इस मूवी में नहीं होंगे। उन्होंने बस इतना ही बताया है कि एक ब्लैक सुपरमैन मूवी बन रही है, यानी अभी वो डेवलपमेंट में है। तो ये कन्फर्मेशन तो नहीं हुई कि हेनरी कैविल इस मूवी में नहीं होंगे, या फिर हो सकता है अगर ना भी हों तो ये मूवी एक डिफरेंट अर्थ की होगी, यानी कि मल्टीवर्स, जैसे कि रॉबर्ट पैटिनसन या फिर जोकर मूवी, का हमें पता ही है कि वो मूवी डीसी ईयू की कॉन्टिन्यूटी में सेट नहीं होती हैं, वो डीसी ईयू का पार्ट नहीं है। डीसी मूवी तो है पर वो जो चल रही डीसी मूवीज हैं जैसे बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, जस्टिस लीग, सुसाइड स्क्वाड, वंडर वुमन, इन मूवी की कॉन्टिन्यूटी में नहीं आती हैं। तो हो सकता है कि ये ब्लैक सुपरमैन वाली मूवी भी एक अलग अर्थ से बिलोंग करती हो, और शायद फ्लैश पॉइंट के बाद ये मूवी अगर रिलीज हुई तो मल्टीवर्स के दरवाजे तो वैसे ही खुलने वाले हैं। तो हो सकता है कि एक नया सुपरमैन हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाए, लेकिन तब भी हेनरी कैविल ही हमारे मेन सुपरमैन रहेंगे, क्योंकि मेन अर्थ पर तो हेनरी कैविल ही अभी सुपरमैन हैं। और इसका सबसे बड़ा एक और एग्जांपल है कि वॉर्नर ब्रॉस इंडिया ने 5 मई को ये फोटो शेयर करी। अब साफ सी बात है, इस फोटो को शेयर करने का मतलब है कि हेनरी कैविल अभी भी हमारे सुपरमैन हैं, तो हमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है और रूमर्स पर ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे रूमर्स चल रहे हैं कि अब हेनरी कैविल सुपरमैन के रोल में रिटर्न नहीं आएंगे। उन्होंने डीसी और वॉर्नर ब्रॉस को भी अनफॉलो कर दिया है, लेकिन ये सब रूमर्स हैं। कुछ रूमर्स की माने तो वॉर्नर ब्रॉस और डीसी को कभी हेनरी कैविल ने फॉलो करा ही नहीं था, तो वो अनफॉलो कैसे करेंगे? तो इन फेक रूमर्स पर अभी ज़्यादा ध्यान ना दें, और अभी हम वेट करते हैं कि वॉर्नर ब्रॉस कब एक्चुअल अनाउंसमेंट करता है। अब इसका अभी भी मुझे ऐसा टाइम लग रहा है कि शायद डीसी फैंडम के टाइम इस मूवी की अनाउंसमेंट होगी, और हेनरी कैविल भी शायद हमें इस मूवी में दिखेंगे। ब्लैक सुपरमैन भी होगा, क्योंकि अब वो कह रहे हैं, वॉर्नर ब्रॉस ने अनाउंसमेंट करी है कि ब्लैक सुपरमैन पर काम चल रहा है, तो ब्लैक सुपरमैन ऑब्वियसली इस मूवी में होगा। लेकिन हो सकता है कि वो दूसरे अर्थ से बिलोंग करता हो, या फिर एक नया क्रिप्टोनियन शायद अर्थ पर आए और हेनरी कैविल के साथ वो एक सेकेंड सुपरमैन बने। कुछ भी हो सकता है, अभी हम कुछ कह नहीं सकते, मल्टीवर्स के दरवाजे भी ओपन होने वाले हैं, तो बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसलिए हमें इतनी जल्दी एक्शन नहीं लेना चाहिए और वेट करना चाहिए वॉर्नर ब्रॉस की एक्चुअल अनाउंसमेंट का। तब तक रीस्टोर द स्नाइडरवर्स तो अपना हैशटैग चल ही रहा है, तो इसको और ज़्यादा हैशटैग को पॉपुलर करें, बस इतना ही कहूँगा मैं तो। तो अब यहाँ मेन मुद्दे की बात ये रही कि मैन ऑफ स्टील 2 या फिर सुपरमैन की एक मूवी हमें देखने को तो मिलेगी, शायद 2 साल तक तो नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन 2 साल के बाद हमें पक्का देखने को मिलेगी। अब वॉर्नर ब्रॉस ने थोड़ी सी अनाउंसमेंट कर दी है, और हो सकता है वो एक्चुअल अनाउंसमेंट डीसी फैंडम के इवेंट पर ही करें। तो तब तक बस वेट करते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट तो कर ही देना। बाकी थैंक यू वीडियो देखने के लिए।